नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ घमोरियों से रिलेटेड एक रेमेडी। जी हाँ, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स भी, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। और देखिए, समर चल रही है तो घमोरियों की प्रॉब्लम होना एक आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जिसका कोई सोल्यूशन ही ना हो, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये। तो ऐसे में देखिए, समर्स में तो सभी को घमोरियों की प्रॉब्लम हो ही जाती है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों या छोटे हों। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसी ही कुछ हेल्पफुल रेमेडी और कुछ हेल्पफुल टिप्स। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट सा मिस कर दें। तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी से आने वाली न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने ये पैक कैसे तैयार करना है। और मैं यहां पर ले रही हूं 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी समर्स के लिए बेस्ट होती है और ये आपकी स्किन को ठंडक भी देती है, साथ ही साथ ये आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन कर देती है। आपकी स्किन से जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज होती है उसे भी ये रिमूव करने में हेल्प करती है। और घमोरियों के लिए मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है, इंस्टेंट रिजल्ट देती है आपको, बहुत ही जल्दी आपको घमोरियों से छुटकारा दिलाती है। तो मैं यहां पर 1 चम्मच और ले लूंगी मुल्तानी मिट्टी इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ी कम लग रही थी। तो अब मैं इसमें डालूंगी रोज वाटर यानी कि गुलाब जल। आप घर का बना हुआ गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है आपने, ताकि आप इसे इजीली अप्लाई कर सकें। और इस पैक को बड़े भी लगा सकते हैं, यानी कि मेल, फीमेल, और आप अपनी खुद की स्किन पर भी इसे लगा सकती हैं। और ये देखिए, ये आपका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी है और अब आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इस पैक को लगाने से पहले मैं अपनी बेटी के हाथों और पैरों पर अच्छे से बर्फ लगा दूंगी। जी हाँ, सबसे पहले आप इस पे अगर बर्फ लगा देते हैं ना, तो बर्फ लगाने से घमोरियों में बहुत जल्दी आराम मिलता है और जो उसमें थोड़ी सी इशिंग आपको महसूस होती है घमोरियों में, उससे भी ये छुटकारा दिलाती है। और बर्फ जो आपको कूलिंग इफेक्ट देती है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है घमोरियों में। और मैं यहां पर ले रही हूं एक क्लीन हैंकी, ले लीजिए, और इसमें मैं एक आइस क्यूब डाल दूंगी और मैं इसे इसकी बाजुओं पर अच्छे से लगा लूंगी, क्योंकि बर्फ लगाने के बाद आप जब पैक लगाते हैं तो वो और जल्दी घमोरियां जो है ठीक हो जाती हैं। आप इसे चाहे तो फेस पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए, अब मैं इसकी फेस पर और हाथों पर अच्छे से ये जो हमने फेस पैक रेडी किया था इसे अप्लाई कर लूंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा घमोरियां हैं तो आप इसे डेली भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे वीक में 3 से 4 बार अप्लाई कर सकते हैं। और टेलकम पाउडर जरूर लगाइएगा घमोरियों का, क्योंकि उससे भी घमोरियां जो है जल्दी ठीक हो जाती हैं। मुल्तानी मिट्टी का कोई भी ऐसा नुकसान नहीं होता है, इसे बड़े भी लगा सकते हैं और बच्चे भी लगा सकते हैं। और मैं इसके फेस पर भी लगा दूंगी यही पैक। तो ये देखिए, इसका फेस पैक लग चुका है और बस इसे 2 से 4 मिनट तक रखूंगी, वैसे भी जल्दी सूख जाएगा। तो इसके बाद मैं इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। तो फेस पैक सूख चुका है और अब मैं इसे अच्छे से वॉश करके आती हूँ। और अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर है या 4 साल से ऊपर है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ज्यादा छोटे बच्चों के लिए तो मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ, 4 साल से अगर ऊपर का बच्चा है आपका तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बेटी 7 साल की है और मैं भी उसे यही लगाती हूँ। और भले ही उसे घमोरियां हो या ना हो, मैं अपने बच्चे को हफ्ते में 2 या 1 बार इस पैक को लगा ही देती हूँ, ताकि उसे घमोरियों की प्रॉब्लम हो ही ना। और इस फेस पैक में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने रोज वाटर ऐड किया है, अगर आप चाहें तो इसमें प्लेन वाटर भी ऐड कर सकते हैं। और इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आप अपने बच्चे को टेलकम पाउडर भी जरूर लगाइएगा। घमोरियों का जो भी बाजार में टेलकम पाउडर मिलता है, या डॉक्टर से अगर आप सलाह लेना चाहते हैं, तो जो भी आप घमोरियों का पाउडर अपने बच्चे को लगाते हैं, इसे इस्तेमाल करने के बाद बच्चे को घमोरियों का पाउडर डेली लगाइएगा, ताकि उन्हें घमोरियों की प्रॉब्लम हो ही ना। तो देखा आपने फ्रेंड्स की कितनी सिंपल सी रेमेडी है ये, कितनी सिंपल सी फेस पैक है।
और आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये फेस मास्क या बॉडी मास्क आप इसे कह सकते हैं या बॉडी पैक कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें दो ही इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है जो कि आपको आपके घर में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, रोज वाटर और मुल्तानी मिट्टी। दोनों ही चीजें हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं और ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिसे बच्चे भी लगा सकते हैं और मेल्स फीमेल्स और बच्चे सभी लगा सकते हैं। इसे आप जहां भी घमोरियां हो अपने बच्चे को वहां पर लगा सकते हैं। और घमोरियों से पहले अगर जो मैंने यहां पर आइस लगाई है, अगर आप पहले लगाना चाहते हैं तो पहले आइस क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप बाद में बर्फ लगाना चाहते हैं या आइस क्यूब लगाना चाहते हैं तो बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। और बर्फ भी अगर आप अपने बच्चों को डेली में लगाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। देखिए समर्स है और समर्स में तो ठंडी चीजें हर किसी को अच्छी लगती है, और इस फेस पैक को आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा घमोरियां हैं तो आप इसे डेली भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे वीक में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके बच्चों के लिए ये। जिसे भी घमोरियां हैं आपके घर में उसे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की सिंपल सी एक होम रेमेडी जो कि घमोरियों से रिलेटेड थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और गाइज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।